हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फुल डे रूटीन। तो अभी है सुबह का टाइम, टाइम हो रहा है 4:15। मैं 4 बजे उठ गई थी ब्रश वगैरह करने के बाद, किचन में आई हूँ तो 4:15 हो गया है। तो सबसे पहले मैं पीऊँगी गर्म पानी, और जब तक मैं पानी पीऊँगी तो दूध उबालने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैं काटूँगी सब्जी, क्योंकि आज बच्चों का स्कूल है और बच्चे 7 बजे चले जाएंगे, तो वही यहाँ पे मैं सब्जी काटूँगी और उनके लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मेरी सब्जी वगैरह कट चुकी है और दूध उबल गया है, तो मैं फटाफट सब्जी छौंकूँगी। कोविड के टाइम से थोड़ा सा रूटीन डिस्टर्ब हो रहा था, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, तो इसी वजह से हमारा भी रूटीन डिस्टर्ब हो रहा था। तो कभी हम लोग जल्दी उठ जाते थे, कभी देर में उठते थे, बट अब स्कूल प्रॉपरली बच्चों का खुल गया है, तो वही मेरा रूटीन रहेगा कि मैं डेली सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और फिर बच्चों के जाने तक मेरा घर का आधा काम निपट जाता है। सुबह अगर जल्दी उठो तो काम भी जल्दी हो जाते हैं, और देर में उठो तो फिर काम भी देर तक रह जाते हैं, तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। और काम भी बहुत होता है एक जने के लिए, और हाउसवाइफ का जो काम होता है बहुत ज़्यादा होता है। करने वालों के लिए बहुत कुछ होता है, नहीं करने वालों के लिए कुछ नहीं होता है। सुबह से शाम तक जितना काम होता है उतना वीडियो में दिखाना तो बहुत मुश्किल होता है, तो फिर भी कोशिश करूँगी आपके साथ अपना डेली रूटीन थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करूँगी। किचन में काम करते टाइम जितने भी बर्तन होते हैं तो मैं हाथों हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि फिर इकट्ठा करो तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं और फिर धोने की हिम्मत नहीं होती है। तो हमेशा मेरा ऐसा ही होता है कि मैं सब्जी छौंकती हूँ फिर बर्तन धो देती हूँ, रोटी बनाती हूँ फिर बर्तन धो देती हूँ। तो यहाँ पर वही मैं जितने भी सब्जी वगैरह कट करने में और पानी के बर्तन हुए थे तो वही बर्तन वॉश कर लूँ। अभी टाइम हो रहा है 5, तो मैं आ गई हूँ बाहर पे। मैं आंगन में झाड़ू लगा लूँगी। थोड़ा सा अंधेरा आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अपना फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत सब कुछ दिखाऊँगी। तो बाहर पे मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। सभी लोग मना करते हैं कि अंधेरे में मत जाया कर बाहर पे, हस्बैंड भी और सास ससुर भी, पर फिर भी ना अपना काम होता है जितनी जल्दी निपट गया तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और अब बच्चों को गर्म पानी दे दूँगी, और बच्चों को गर्म पानी देने के बाद मैं यहाँ पे उनके लिए लंच तैयार करूँगी। पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था जब छोटे थे ना, उनको अच्छे से उठाना पड़ता था, गोदी में लाना पड़ता था, फिर ब्रश करवाओ। तो आजकल बस मैं उठा देती हूँ और उनको गर्म पानी दे देती हूँ, फिर वो और सब कुछ खुद से कर लेते हैं। थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है कि हाँ अब बच्चे बड़े हो गए हैं, वरना जब पहले छोटे थे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था दोनों को एक साथ रेडी करना। तो बस अब थोड़ा सा बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरी भी हेल्प हो जाती है, और यहाँ पे मैं उनके लिए लंच तैयार करूँगी। पानी पीने के बाद बच्चे ब्रश करते हैं और उसके बाद मैं उनको देती हूँ दूध। तो यहाँ पे मैं उन्हीं के लिए दूध बना रही हूँ और उनको दूध दे दूँगी। और अब मैं यहाँ पे उनका टिफ़िन तैयार कर दूँगी जब तक वो दूध पियेंगे, और फिर बच्चों को नहलाऊँगी, क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन है तो डेली नहलाना पड़ता है, पसीना होता है। तो जाड़ों में तो दो दिन छोड़ के ऐसे नहलाती हूँ, और गर्मियों में मैं डेली बच्चों को सुबह नहला के भेजती हूँ। टिफ़िन वगैरह मैं पैक कर देती हूँ बच्चों का, और फिर उनसे खुद से ले जाने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। तो बस यहाँ पे ये दूध के जितने भी बर्तन थे ये फिर साथ में मैं धो, वही मेरी आदत है कि मैं जितने भी बर्तन होते हैं साथ साथ में धोते रहती हूँ, और बर्तन धोने के बाद बच्चों को नहलाऊंगी।
बच्चों को नहलाने के बाद फिर मैंने नहाया। बच्चे आजकल खुद से रेडी हो जाते हैं, तो आजकल पापा घर पे नहीं है तो पूजा भी मैं ही करती हूँ। और आज थोड़ा सा जल्दी किया क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और पापा उनको बिना टीके के नहीं भेजते हैं, तो वही यहाँ पर मैं पूजा करके फटाफट से बच्चों को टीका लगाऊँगी। और अब 15 से 20 मिनट में उनके बस का भी टाइम होता है। तो यहाँ पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और बच्चों के लिए एक एक रोटी बना दूंगी। पहले मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ठंडी हो जाती है रोटी और मेरे बच्चे बिल्कुल भी ठंडी रोटी नहीं खाते हैं, तो एक एक रोटी मैं उनको खिला के भेजती हूँ। जब से स्कूल भेजा तो मैंने कभी भी बिना रोटी के उन्हें स्कूल नहीं भेजा और वो आराम से खा भी लेते हैं। तो बस यही है, यहाँ पर मैं उनको खाना दे दूँगी। बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ मैं और अब बनाऊंगी चाय, आराम से चाय पीऊंगी और थोड़ी देर रेस्ट करूंगी क्योंकि 4 बजे से 7:15 बजे तक बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती है। और उसके बाद फिर हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी चाय पीऊंगी और उसके बाद फिर मिलूंगी आपसे। चाय पीने के बाद फिर आ गई हूँ किचन में और अब हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार कर दूंगी। लंच तो वो नहीं ले जाते हैं, फ्रूट्स ले जाते हैं और वही मैं उनके लिए जो भी घर में फ्रूट्स होता है वो डेली पैक करके रख देती हूँ। और उसके बाद उनके लिए बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। थोड़ा थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जितना काम होता है उतना तो दिखाना मुश्किल है क्योंकि पूरे दिन भर का वीडियो अगर डालूंगी तो बहुत मुश्किल होगा, तो थोड़ी बहुत एक छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे सारे बर्तन धो लूँगी और किचन साफ़ करूँगी। सुबह से मैंने 3 या 4 बार बर्तन धो दिए हैं तो फिर भी इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। जैसे ही किचन को अच्छे से साफ़ करो ना तो पता नहीं इतने ज़्यादा बर्तन कहाँ से निकल आते हैं। तो वही है, यहाँ पे फटाफट बर्तन धोने के बाद किचन अच्छे से साफ़ करूँगी क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद ही किचन अच्छे से साफ़ हो पाता है। तो बस किचन के सारे काम निपटाने के बाद आ गई हूँ बेडरूम में और अब करूँगी झाड़ू पोछा। और आजकल झाड़ू पोछा में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जैसे सर्दियों में तो आधे घंटे में झाड़ू पोछा निपट जाता है, पर आजकल बहुत टाइम लगता है क्योंकि धूल इतनी आती है ना खेतों में, मशीन लग रही है आजकल गेहूं के लिए तो पूरा धूल उड़ के घर के अंदर आ जाता है। तो बिना अच्छे से साफ़ करे, बिना डस्टिंग करे तो साफ़ सफाई किया जैसा ही नहीं लगता है। पूरा 1.5 घंटा मुझे लग जाता है आजकल सफाई में। तो बस यही है, पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी।
अभी है दोपहर का टाइम, मैं आ गई हूँ किचन में और बनाऊंगी दिन का खाना। झाड़ू पोछा करने के बाद ना एक डेढ़ घंटा थोड़ा सा मैं आराम कर लेती हूँ। और क्योंकि झाड़ू पोछा मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि डेली का होता है, तो थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर किया कि कैसा मेरा दिन बीतता है और कैसे सारे काम मैं करती हूँ। तो झाड़ू पोछा करने के बाद थोड़ी देर आराम किया तो यहाँ पे किचन में आके अभी बनाऊंगी दाल चावल। बच्चों के आने का भी टाइम हो जाता है और अभी 2:15 बजे लगभग बच्चे आ जाते हैं। तो बस यही है, आज पहला दिन है उनका स्कूल आज न्यू सेशन का, तो यहाँ पे उनकी फेवरेट दाल बनाऊंगी पीली दाल। तो दाल मैंने चढ़ा दी है और एक साइड भात चढ़ा दूंगी। और यहाँ पे आ गई हूँ बेडरूम में, थोड़ा सा कपड़े फोल्ड करने थे तो वो कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। ये डेली का ही होता है कि आज के कपड़े कल, कल के कपड़े परसों, और कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ उसी दिन कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, वरना फिर ऐसे आज कपड़े धोए कल फोल्ड किए, जो कल धोए वो परसों फोल्ड करें। तो बस यही है, कपड़े फोल्ड करूँगी और उसके बाद जाऊँगी बच्चों को लेने के लिए। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है ना, बाहर निकलना मुश्किल है और बच्चे इतने धूप में स्कूल से आते हैं, बुरा भी लगता है थोड़ा सा। घर आने के बाद बच्चों ने हाथ मुंह धोया, आजकल वो खुद ही कर लेते हैं, चेंज भी खुद करते हैं, हाथ मुंह भी खुद धो लेते हैं। तो अभी उनको खाना दे दूंगी, आज उनकी फेवरेट दाल बनी है पीली दाल, तो खुश हो जाएंगे। तो फटाफट से उनको खाना दूंगी और उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद फिर बस वही बर्तन धो, किचन साफ़ करो। बस दिन में थोड़ा सा कम रहते हैं, बर्तन भी कम होते हैं और किचन क्लीनिंग का भी कम होता है, बस थोड़ा सा एक कपड़ा मार दो तो किचन साफ़ हो जाता है। शाम का टाइम, दिन में थोड़ी देर खाना वाना खाने के बाद हम लोग आराम कर लेते हैं। और अभी मैंने बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाने के लिए बैठा दिया है और अब मैं जाऊँगी बाहर पर आंगन में झाड़ू लगाऊंगी। आंगन में आजकल जब तक 2 या 3 बार झाड़ू नहीं लगाओ तो लगता है कि कितने सालों से सफाई नहीं करी होगी, झाड़ू नहीं लगाया होगा। सुबह 5 बजे लगाया था, उसके बाद फिर 11 बजे हल्का मैंने जो पत्ते गिरे थे वो पत्ते उठा लिए थे झाड़ू से। और फिर अभी है शाम का टाइम, तो फिर ये आंगन साफ़ करूँगी क्योंकि साफ़ ना करो तो अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि शाम के टाइम पर कोई बैठने के लिए भी आ जाता है कभी, जैसे झाड़ू में तो दोपहर में आते हैं, गर्मियों में शाम के टाइम पर आते हैं तो कोई आता है और आंगन गंदा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए शाम को भी आंगन साफ करना पड़ता है। ये गर्मियों का मेरा फुल रूटीन है, जब तक बरसात नहीं होगी तब तक यही होगा कि आंगन में 2 या 3 बार झाड़ू लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे आ गई हूँ किचन में और बच्चों को दूध दूंगी। मैं बच्चों को 2 टाइम दूध देती हूँ, सुबह और शाम, बचपन से उनकी हैबिट है। बच्चों को दूध देने के बाद आ गई हूँ बाहर पे और सारे जितने भी पौधे हैं उनमें पानी दे दूंगी। मैं जाऊंगी दूध लेने के लिए, दूध लेके आती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। मैं 2 जगहों से आता है शाम का दूध, तो फटाफट दूध लेके आती हूँ। यहाँ पे मैं दूध लेके आ गई हूँ और अब मैं दूध को बॉयल होने के लिए रख दूंगी और साथ में ही रात का खाना भी तैयार करूंगी। तो यहाँ पे सब्जी मैंने छौंक दी है, इसके बाद गूंदूंगी आटा। आटा गूंदने के बाद थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाऊंगी 9 बजे तक, और उसके बाद फिर किचन में आके रोटी बनाऊंगी। बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्यूशन का ऐसा कुछ है नहीं, मैं खुद से ही बच्चों को पढ़ाती हूँ। और बच्चों को पढ़ाने के बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और खाना बनाऊंगी, बच्चों को भी दूंगी और हम भी खाएंगे। आज की वीडियो बनाने में ना मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई क्योंकि पूरा दिन भर जहाँ जाओ कैमरा ले जाओ, जहाँ जाओ कैमरा ले जाओ। सच में छोटी मोटी वीडियो बनाना ठीक है, 5-7 मिनट की वीडियो बनाना तो ठीक है, बट पूरे दिन भर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। और आज तो मेरी सच में इतनी हालत ख़राब हो गई और इतनी थकान हो गई, मन कर रहा है बस फटाफट से काम करूँ, सो जाऊँ। तो बस यही है, यहाँ पर हम लोगों ने भी खाना खा लिया था और फिर से वही बर्तन, किचन क्लीन, बस यही करूँगी मैं। रात में ही सारे बर्तन धो देती हूँ और किचन अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ क्योंकि सुबह उठ के ना गंदा किचन देखो तो फिर काम करने का मन नहीं करता है, इसीलिए सारा किचन अच्छे से साफ़ कर लूँगी।
तो हो गया है मेरा सारा काम और टाइम 10 बज गया है। तो ऐसे ही मेरा डेली रूटीन होता है सुबह से लेके रात तक का, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।